दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अभिराज आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब हम लोगों की सारी कक्षाएं आपको लाइव में मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल से लेकर के और सारी वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध रहेंगी। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहां से क्लासेज जो है, जो भी नई क्लासेस शुरू हो रही है उसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा जो है 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, आप जो है आकर के उसमें इनरोल करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज से जो हमारी इतिहास की कक्षाएं हैं यानी हिस्ट्री की कक्षाएं हैं वो जो है बीच बीच में आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले जो है कुछ चीजें जो है आपको बताएं कराए कि देखिए, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी फेल की जो स्पेलिंग होती है F-A-I-L, यानी फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कहने का मतलब यह है कि यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि F-A-I-L का अर्थ है सीखने में पहले प्रयास। यानी फेल हुए इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं है, आपने सीखने की कड़ी में आपने फेल किया है, यह बड़ी गलती आपसे नहीं हुई है। सपोज दैट यदि आप खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, दर्शक दीर्घा में बैठ करके और मैच देखते रहेंगे, तो आप यही कहेंगे कि फलाने ने इतना बड़ा छक्का मार दिया और इसने इस बॉल पे चौका लगा दिया, लेकिन आप खेल को कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी इस बात की है कि दर्शक दीर्घा में बैठने से अच्छा है कि आप उसमें क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, तभी आप उस खेल को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। भले ही आप जीरो पे आउट हो जाए, लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये लर्निंग का पहला स्टेप पता चलेगा कि आखिर हम किस बॉल पे आउट हुए और क्यों आउट हुए। ठीक, अब चलिए इसी कड़ी में आज की जो हम लोगों की क्लास है वो क्लास है हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ने का प्रयास करेंगे, हिस्ट्री को समझने का, सीखने का ये प्रयास करेंगे कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, कहते हैं कि इतिहास भूत से सीखते हुए वर्तमान को जीने और भविष्य को संवारने की एक कला है। यानी इतिहास क्या है, यानी जो चीजें बीत गई है उससे हम चीजों को सीखते हैं भूत में। यानी क्या है कि पास्ट में हमने क्या चीजें गलत किया उसको हम न दोहराए, और वर्तमान में हम जीते हैं उस चीज को, भविष्य में कैसी हमारी रणनीति रहे इस पे हम योजनाएं बनाते हैं। ये सारी चीज सिखलाने का प्रयास हमको कौन करता है, ये करता है हमारा इतिहास। सपोज दैट आपको एक उदाहरण समय प्रूव करने का प्रयास करूं कि जैसे आप देखे कि कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग लाए और सोशल डिस्टेंसिंग ला करके अपने को बचाव किए, तो ये कैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग किया। इससे पहले भी हमारे देश में, विश्व में इस तरह के पैंडेमिक आया था, और इन पैंडेमिकों से हम लोगों को बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया था। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उस फॉर्मूले को अपनाए और सोशल डिस्टेंसिंग किए। यानी भूत से हम सीखे थे, उसी चीज को हम लोग फॉलो किए। और एक तीसरी चीज है कि आप देखें कि इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होने लगी, लोग ऑक्सीजन से मरने लगे, हमारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, तो अब हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसकी आपूर्ति की जा रही है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई भी महामारी आ जाए तो हम उससे आसानी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ये सारा ज्ञान हमको कहां से मिलेगा, इतिहास से ही मिलेगा। इसलिए इतिहास को पढ़ना, सोचना, समझना आपकी सबसे पहली जरूरत बन जाती है। तो चलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसको पढ़े कैसे, इसको समझे कैसे, इन्हीं चीजों को हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो देखिए, इतिहास को, इतिहास एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट जो है
हम टुकड़ों में नहीं पढ़ते या उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे सपोज दैट, देखिए ये मेरा बॉडी है, हम अपने बॉडी को जो है कई सारे टुकड़ों में तो बांट नहीं सकते क्योंकि ये मेरा एक संपूर्ण शरीर है। लेकिन जैसे ही किसी शरीर के पार्ट को सूक्ष्म तरीके से, गहन तरीके से उसका विश्लेषण करना होता है, उसका एक नॉलेज करना होता है, उसका अध्ययन करना होता है, तो हम उसके पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे आसानी से चीजों को हम समझ सके। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आई का डिपार्टमेंट कहीं अलग होता है, ईयर का डिपार्टमेंट कहीं अलग होता है, गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट कहीं अलग होता है, हड्डी डिपार्टमेंट कहीं अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपके हर पार्ट को आसानी से समझा जाए, और जब कोई पर्टिकुलर पार्ट का डॉक्टर होगा तो वो आसानी से उस पार्ट में हुए डिजीज को ही एक्नॉलेज करेगा, बेहतर तरीके से करेगा। यदि संपूर्ण शरीर का एक्नॉलेज करने के लिए किसी एक व्यक्ति को दे दे तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें उसे छूट जाए। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, और इसी को ध्यान रख करके हमारे हिस्टोरियन ने हमारे हिस्ट्री को जो डिवाइड करने का प्रयास किया है उसे जो है फोर पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले किस पार्ट में डिवाइड किया, तो जो फोर्थ पार्ट में इन्होंने डिवाइड करने का प्रयास किया है, ये पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए ये पार्ट है हमारे, देख लीजिए कि इस पार्ट में आ जाएगा आपका एंशियंट हिस्ट्री, यानी एंशियंट हिस्ट्री को इन्होंने बांटा। दूसरे पार्ट में इसने क्या किया कि मेडिएवल हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट में इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को। लेकिन देखिए ये तो तीन पार्ट है, जब हम यूपीएससी देते हैं या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इन्हीं तीन पार्ट से क्वेश्चंस जो है हमें प्रीलिम्स लेवल में पूछे जाते हैं। लेकिन जब मेंस लेवल पर जब हम एग्जाम में क्वालिफाई होकर के जाते हैं तो यूपीएससी जो है अपने जीएस लेवल के पार्ट में भी इसने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी क्या किया है, आके इंक्लूड किया है। इस तरह से जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें जो एक पेपर होता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला करके एक पेपर, सेपरेट पेपर बना दिया जाता है। जैसे आप फर्स्ट पेपर में आपको मिलेगा एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, तो उसी तरह से आपके सेकंड पेपर में मिलेगा मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस प्रकार से हम टोटल हिस्ट्री को चार पार्टों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि हम लोगों को प्रीलिम्स लेवल पे या यहां पे हम लोगों को पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, अब इंडियन हिस्ट्री को चूंकि हम लोगों ने क्या किया है कि तीन पार्ट में डिवाइड किया है, और इस पार्ट क्या है इन चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि हिस्ट्री को, यानी इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने, इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने डिवाइड किया कितने पार्ट में, तो डिवाइड किया तीन पार्ट में। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री इसे हम लोग प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग प्राचीन इतिहास क्यों कहते हैं, ये प्राचीन इतिहास कहने से हमारा क्या तात्पर्य है, इसको क्यों प्राचीन इतिहास कहते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए बहुत सारे इतिहासकारों का विचार था कि जो ये इतिहास है, यानी जो ये प्राचीन इतिहास है, जब से हम इतिहास जो है हम मानव इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी पर जब से मानव आया, और जब से मानव आया और तब से लेकर के यानी 1206 ईस्वी तक के काल को हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। कब से कब तक के, यानी जब से मानव जो है धरती पर आया और 1200 तक के काल को हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री के काल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन देखिए इसमें कुछ विवाद था, कुछ इतिहासकार कहते थे कि हम इसे एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास न कह करके हम लोग इसे हिंदू इतिहास के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कालखंड में सबसे ज्यादा जो हमारे राज किए हैं वो हिंदू शासकों ने किया, इसलिए इस कालखंड को हिंदू कालखंड के नाम में डिवाइड किया जाए या हिंदू कालखंड के नाम से संबोधित किया जाए। लेकिन इस बात पे क्या हुआ कि विवाद हुआ हमारे हिस्टोरियन के बीच में, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये तर्क कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहां हिंदू शासकों ने या हिंदुओं ने यहां पर राज किया, लेकिन इसी काल में यूनानी भी हमारे यहां आकर के शासन किए, सब कुशाण पहलव भी आकर के शासन किए, इसी समय में हमारे यहां कुछ
मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग 712 ईस्वी में आकर के शासन किए, तो ऐसे स्थिति में क्या हम इस पूरे कालखंड को हिंदू काल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और इस प्रकार से इस तर्क को खारिज कर दिया गया और खारिज करके कहा गया कि नहीं, हिंदू कालखंड कहना इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे किस नाम से जाने, यानी प्राचीन भारत का इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री से ही संबोधित करें, वही बेहतर होगा। ठीक उसी तरह से जब मेडिएवल हिस्ट्री में आए तो मेडिएवल हिस्ट्री में भी यही बात उभर करके आए। मेडिएवल हिस्ट्री को हम लोग जब बांटते हैं तो ये टू पार्ट में बांटते हैं, और यह जो है क्या है कि 1206 से लेकर के 1760 यानी 1206 से लेकर के 1707 तक जो है इस टाइम पीरियड को बांटते हैं, और इस टाइम पीरियड को हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इतिहासकारों के बीच में इसमें भी विवाद हुआ और इन्होंने कहा कि इस कालखंड को हम लोग मुस्लिम काल के नाम से संबोधित किया जाए, और क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर जो शासन किया है वो किसने किया है? मुस्लिमों ने किया है। फिर वही बात आई कि यदि आप इस पूरे कालखंड को मुस्लिम कालखंड के नाम से जानेंगे तो आप ये बताइए कि इसी समय जो है इसी कालखंड में दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय जैसे लोग शासन कर रहे हैं, संगम वंश डेवलप हुआ है, उनको आप कहां रखें? इसी कालखंड में शिवाजी शासन कर रहे हैं, आप उनको कहां रखेंगे? और इन सब चीजों को लेकर के विवाद हुआ, तो इस बात को खारिज कर दिया गया कि नहीं, हम इस पूरे कालखंड को मुस्लिम कालखंड के नाम से नहीं संबोधित कर सकते। इसलिए यह डिसाइड हुआ कि हम इस कालखंड को क्या कहेंगे? मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के नाम से इसको जानेंगे। अब देखिए मेडिएवल जो हिस्ट्री था इसको जो है हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक जो है पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं, एक पार्ट को कहते हैं प्री मेडिएवल हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं दिल्ली सल्तनत, और तीसरे को कहते हैं मुगल पीरियड। और प्री मेडिएवल हिस्ट्री इसको क्यों कहते हैं इसको समझिए। देखिए 712 ईस्वी में यानी 712 में क्या हुआ कि भारत के फ्रंटियर स्टेट के तरफ यानी सिंध के तरफ जो है मुस्लिम आक्रमणकारी यानी जो फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, उसका क्या होता है यहां पे आक्रमण होता है, और यहां पर वह जो है क्या करने लगता है, अपना शासन करने लगता है। और इस टाइम पीरियड में कई सारे शासक आकर के इन क्षेत्रों पर शासन किए, इसलिए इस कालखंड को हम लोग जो है प्री मेडिएवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज है कि 1206 से लेकर के और 1526 के बीच में यानी 1206 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का देहांत होता है, मोहम्मद गोरी जो है डेथ कर जाता है, और उसके उत्तराधिकारी जो है यहां पे शासन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है यह 1206 से लेकर के और 1526 कब तक, जब तक कि मुगल शासक बाबर नहीं आ जाता, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखते हैं। 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर जो है दिल्ली सल्तनत के यानी लोदी वंश के लास्ट इंपरर जो है इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराता है, उसे मारता है, और एक नए वंश की एक नए डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसे हम लोग मुगल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और यह डायनेस्टी जो है चलती है कब तक, यानी 1707 में क्या होता है कि मुगल बादशाह जो अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में कई सारी चीजें कही जाए जो कि महत्वपूर्ण मुगल शासक है यानी औरंगजेब, उसका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, और उसके बाद जो है जो मुगल टाइम पीरियड है वो अपने डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, और अंततः जो है 1857 के युद्ध तक जो है मुगलों का अंत हो जाता है, यानी उसका जो लास्ट शासक होता है बहादुर शाह जफर 1857 के युद्ध में मुगल सत्ता को पराजित करके अंग्रेज बहादुर शाह जफर को कहां भेज देते हैं,
बर्मा की राजधानी रंगून और वहीं पर उसका डेथ हो जाता है। तो देखिए 1707 मुगल काल में, इसलिए क्योंकि मुगल शासक जो है सांकेतिक रूप से बने रहते हैं कब तक, 1857 तक, लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण शासक है वह रहता है 1707 तक औरंगजेब। इसीलिए इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। इस चीज को आप क्लियर कट समझ लीजिएगा, ठीक। अब हम अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरू हो जाती है हमारी यानी 1707 से लेकर के 1947 तक, ठीक है ना। तो 1947 में भारत क्या होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है अंग्रेजों की गुलामी से, और इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी हिस्टोरियन के बीच में डिबेट था और ये लोग कहना चाहते थे कि इस टाइम पीरियड को हम लोग जो है इंग्लिश टाइम पीरियड के नाम से जाने, यानी अंग्रेज टाइम पीरियड के नाम से ही इसको संबोधित करें। लेकिन कई सारे हिस्टोरियन का विचार था कि यदि इस पूरे टाइम पीरियड को आप लोग इंग्लिश टाइम पीरियड के नाम से कहेंगे तो कुछ क्षेत्रों में जो पुर्तगाली शासन कर रहे थे उनको कहां रखेंगे, जो फ्रांसीसी शासन कर रहे थे उनको कहां रखेंगे, जो शिवाजी के वंशज शासन कर रहे थे उनको कहां रखेंगे, जो महाराजा रणजीत सिंह शासन कर रहे थे पंजाब और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में तो उनको कहां रखेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस बात को खारिज कर दिया गया और इस टाइम पीरियड को आधुनिक भारत के नाम से जाना गया, ठीक। तो 1707 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड को हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। 1947 के बाद जो अब तक का इतिहास है उसे हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब तक का जो इतिहास है हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 1964 तक के हिस्ट्री को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस डे में 1947 से लेकर के और 1964 तक के हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक। तो मैंने हिस्ट्री की परिभाषा में आपको क्या बताया कि इतिहास जो है भूत से सीखते हुए वर्तमान को जीने और भविष्य को संवारने की एक कला है। यही दूसरे शब्दों में कहें तो इतिहास बीते हुए प्रमाणिक तथ्यों का, यानी जो प्रमाणिक तथ्य है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना भी इतिहास है। इन सब चीजों को समझिए। और इतिहास का फादर किसे कहा जाता है, हिस्ट्री का फादर कहा जाता है हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस का नाम आप लोग याद रखिएगा, यह जो है यह यूनानी हिस्टोरियन है, यही ने इतिहास लिखने, इतिहास को कैसे लिखा जाए, किन चीजों पर फोकस किया जाए, यानी हिस्टोग्राफी के बारे में इसने बताया। जैसे आप जब इतिहास लिखते हैं तो आप इतिहास में किसी चीज को नहीं लिख सकते, यदि इतिहास लिखने लगेंगे तो हर चीज को लिखने लगे तो वह इतिहास ही है। लेकिन हिस्टोग्राफी में दिखाया गया कि हमको किन पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना है, यही कोई राजा राज्य कर रहा है तो उसकी डायनेस्टी में उसके सोशल वर्क क्या किए गए, उसके पॉलिटिकल वर्क्स क्या किए गए, उसके कल्चरल वर्क्स क्या किए गए, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज किया, इन तमाम चीजों को हम लोग जो रखते हैं हिस्ट्री में उसी को हिस्ट्री में हिस्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो हिस्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया वह दिया हेरोडोटस, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। चलते हैं हम अब अगले की तरफ। अब सबसे पहली बात है कि अब हम लोग समझे कि इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास लिखेंगे किसका, इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास लिखेंगे मानव का ही। तो सबसे पहले मानव आया कैसे, मानव इस ब्रह्मांड में पैदा कैसे हुआ, इन चीज को समझने की जरूरत है। यदि इस चीज को आप समझ गए तो इतिहास अपने आप समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको जड़ से आपके माइंड को खोलने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिए, फिर आप इतिहास में कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा।
तो क्या चीज है कि सबसे पहले आपके इस धरती पे, इस अर्थ पे मानव आया कैसे, इस चीज को समझिए। देखिए सबसे पहले ये अर्थ ही आई कैसे, यदि इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हुआ क्या कि देखिए कि 30.8 कितने 30.8 बिलियंस कितने बिलियंस ईयर्स एगो 30.8 बिलियंस ईयर एगो में क्या हुआ कि जो ये आपका ब्रह्मांड था, यह जो है क्या था कि सिकुड़ा हुआ था, सिमटा हुआ था, यानी एक पॉइंट पर सेचुरेटेड हो गया था। कौन? ये जो आप अपने गैलेक्सी ब्रह्मांड को देख रहे हैं, यह हुआ क्या कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इसमें क्या हुआ कि एक जो है विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ। और सपोज दैट कि इसी तरह से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट पे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी जो है क्या हो गई थी, सेचुरेटेड हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी, लेकिन 13.8 बिलियन ईयर्स जो है एगो इसमें एक विस्फोट हुआ, एक इसमें भयंकर जो है ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट से ये तमाम तरह के पार्टिकल्स जो है देख रहे हैं ये सब निकले। अब एक दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जब सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पर सेचुरेटेड होगी तो यह पॉइंट हीट होगा कि नहीं होगा, और यह आपको हीट दिखाई भी दे रहा है, तो यह पॉइंट बिल्कुल ही हीट हो गया था। और जब हीट में ब्लास्ट होगा तो यह सारी हीट पार्टिकल्स निकल निकल करके बिखर जाएंगे कि नहीं, और जब ये हीट वाले पार्ट से निकले तो चूंकि ये सेचुरेटेड थे, इनमें जो है क्या होने लगा, फैलाव होने लगा, ये जो है फैलना शुरू हो गए। और इस प्रकार से इन्हीं कणों से जो आप देख रहे हैं, सूर्य हो, पृथ्वी हो, मंगल, जितने भी आपके जो ग्रह हैं या जितने भी आपके जो स्टार हैं, सब यहीं से निकले। ये चीजें क्लियर हो गया। और इन्हीं में से तमाम तरह की गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, और उसी में से एक आपकी गैलेक्सी है जिसको अभी तक आप खोज पाए हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा, और उसी मिल्की वे या आकाश गंगा का एक पार्ट है आपकी अर्थ। और यही अर्थ जो है बिलियंस ईयर एगो के बाद धीरे 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 क्या हुई कि ठंड हुई, ठंडा हुई, कोल्ड हुई। और क्यों? क्योंकि जब इसमें ब्लास्ट हुआ है तो तमाम तरह की गैसें भी इसमें से निकली, और इन्हीं गैसों में से ऑक्सीजन और क्या निकला, हाइड्रोजन भी निकला। और जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं कि जब एक साथ मिले, मिलने के बाद क्या हुआ कि पानी बना, और पानी बन करके जब धीरे 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 इन गैसी के बीच संक्रमण हुआ, जब ये अर्थ पर आए तो बिलियंस ईयर एगो के बाद जो है ये आपकी अर्थ क्या हो गई, ठंडा हुई। जब अर्थ ठंडा हुई तो अब चलते हैं हम लोग अर्थ के तरफ। जब अर्थ ठंडा हो गई तो ये समझिए कि अर्थ में भी क्या हुआ कि विघटन हुआ, टूटन हुआ, और ये जो अर्थ हमारी है ये दो पार्टों में क्या हो गई, टूट गई। और जब दो पार्टों में टूटी तो इसी को एक पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये वाला जो अमेरिका का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। इस पार्ट को कहते हैं अंगारा लैंड। और ये वाला जो पार्ट है इधर का, जिसमें इंडिया है, ये सब पार्ट जो है ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया अंगारा और ये हो गया गोंडवाना। यानी ब्रह्मांड में तो विघटन हुआ, देखे जब पृथ्वी में विघटन हुआ तो पृथ्वी क्या थी, एज एक गोल, लेकिन पृथ्वी में जब इनमें खिसाव हुआ, विघटन हुआ, तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह इसमें क्या आ गई, दरारें आ गई, यानी जगह जगह गैप आ गया। और जब इन्हीं गैपों में, यानी जो आप अर्थ देख रहे हैं, तो जगह जगह इसमें गैप आया, और जब गैप आया और इन्हीं गैप में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और पानी होने लगा,
तो ये पानी जो है कहां जाएगा, यानी पानी पहुंचा आपके इन्हीं गैपों में, और यही गैप किसका निर्माण कर दिए, सी, यानी ये समुद्र बन गया। क्लियर। अब देखिए, जब ये समुद्र बन गया तो समुद्र में क्या हुआ कि इनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हुए, और इन्हीं बैक्टीरियों से रेंगने वाले जीवों के बाद जो है बीच में क्या करते हैं, पहले जो है इसमें तैरने वाले के बाद फिर रेंगने वाले और फिर हड्डियों वाले, जिसके कमर में बैक बोन हो, ऐसे जीव जो है पैदा हुए। और इन्हीं जीवों में से, यानी इन्हीं स्पेसीज में से एक स्पेसीज निकल करके आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंकी या बंदर या ऐप। और इसी से जो है डेवलपमेंट होता है किसका, यानी मानव का। और जो उस तरह का स्पीसीज डेवलप हुआ जिससे कि हमारा मानव डेवलप हो रहा है, ये जो है ये दो तरह के हुए, एक कहते हैं हम लोग क्या, नियंडरथल, और दूसरा जो है नियंडरथल के बाद आता है क्रोगमैन। और यही क्रोगमैन वाली जो है प्रजाति जो डेवलप हुई, स्पीसीज जो डेवलप हुई, वो कहां डेवलप हुई, ये डेवलप हुई आपके अफ्रीका कंटिनेंट में। यह कहां डेवलप हो रही है, यह डेवलप हो रही है आपके इसी अफ्रीका कंटिनेंट में। और अफ्रीका कंटिनेंट में ये लोग डेवलप हो गए। अब सपोज दैट, ये समझिए कि इनको खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक। अब ये लोग भोजन की तलाश में जो है क्या करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जब ये ऊपर की तरफ गए तो यहां से जो ये लैंड खिसका हुआ है यहां, यानी ये स्वेज नहर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये स्वेज नहर तो पहले थी नहीं, तो यानी अफ्रीका से एशिया कॉन्टिनेंट क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। और इसी जुड़े होने के कारण जो है ये धीरे धीरे अफ्रीका से एशिया कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर गए। और जब एशिया कॉन्टिनेंट में ये प्रवेश किए तो कुछ इनकी स्पेसीज, यानी कुछ प्रजातियां जो है ये पश्चिम की तरफ यूरोप की तरफ निकल गई, कुछ ऊपर की तरफ यानी रशिया साइबेरिया वाले रीजन की तरफ ये लोग निकल गए, और कुछ लोग जो है ये निकल करके आ गए आपके इंडिया की तरफ। अब सपोज देख लीजिए, ये क्यों इधर ही जाएंगे, क्योंकि इधर जाएंगे समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, तो यहां ये जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा ठंड है, और इधर जाएंगे तो यहां जो है जो मिल रहा है इनके लिए उपयोगी चीजें, वह उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो है अफ्रीका के बीचों बीच से निकल रही है क्या, इक्वेटर लाइन, यानी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पे रहने वाले लोग जो है सबसे ज्यादा क्या होता है वहां पे, हीट, यानी गर्मी के कारण जो है ये काले काले पड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि गर्मी से निकला हुआ व्यक्ति एकाएक जो है ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब यहीं से हमको ले करके आना है, यानी यहां से ये लोग आ गए कहां पे, इंडिया में। और इंडिया में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, अब चलिए हम लेकर के आपको आ रहे हैं इंडिया में, ठीक। तो मैंने कहा कि देखिए, वो लोग निकले भोजन की तलाश में, और जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में जो है इनका सामना होता है कहां, ये इन्हीं क्षेत्रों से होकर के आए, क्योंकि जब इधर से आएंगे तो यहां से इंडिया में प्रवेश कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है यहां पे अरेबियन सी है, तैरना इनको आ नहीं रहा है, पानी में डूब करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसलिए इस क्षेत्र से आ नहीं सकते, यहां से भी नहीं आ सकते इंडिया में, यहां से भी इंडिया में नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका थार का डिजर्ट्स है, यानी थार का रेगिस्तान, तो इस एरिया से भी ये रिटर्न होकर के चले गए। फिर अब ये जाते हैं कहां, यही दो श्रेणी है, यहां एक श्रेणी है आपकी सुलेमान, ये दो जो रेंज है, ये जो दो पहाड़ी है, इन्हीं दो पहाड़ियों का नाम है, एक है सुलेमान और दूसरी है किरथर। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में दो पास है, पास यानी दर्रा, और इन दर्रे का नाम क्या है, एक का नाम है खैबर, क्या नाम है, खैबर बर, और दूसरे का नाम है आपका बोलन, क्या नाम है,
बोलन, तो इन्हीं खैबर और बोलन दरों से ये क्रॉस करके और इंडिया में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये क्रॉस किए, ऊपर की तरफ है हिमालय, ठंड इनको ज्यादा लगी, भाग करके ये आ जाएंगे कहां पे, ये आएंगे आपके दक्षिण की तरफ। लेकिन जैसे ही ये बीच में आएंगे, इनको ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए ये लोग पहली दौर में ही भाग करके चले आएंगे कहां, दक्षिण, यानी बिल्कुल गर्म एरिया जहां पे वही ये सरवाइव करेंगे। और ये भोजन की तलाश में घूमते हुए सबसे पहले दक्षिण भारत में पहुंचे। और जो दक्षिण भारत में सबसे पहली स्पीसीज हमारे यहां पहुंची, वह कौन सी स्पीसीज पहुंची, उस चीज को देखिए। तो सबसे पहले हमारे यहां जो पहुंचे, वो पहुंचे निग्रेटो। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो जो इनका जो झुंड आ रहा था वो एक ही बार में सब नहीं आए, हर बार में जो है अलग अलग झुंड आ रहा है। क्योंकि क्या है कि अफ्रीका से निकले हैं तो कुछ लोग जो है यूरोप में जाकर के कई सालों तक रहे, सालों साल। लेकिन जो पहली जो है स्पीसीज आई हमारे यहां, वो कौन आ रही है, तो ये आ रही है निग्रेटो, ठीक। और ये निग्रेटो जो आए, यह जो है आपका ये तमिलनाडु आंध्रा वाला जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में ये सबसे पहले आकर के बसे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले भारत में आने वाली जो स्पेसीज है उसका नाम क्या है, तो नाम है निग्रेटो। जो दूसरी स्पेसीज आ रही है वह है आपके नारकीड। कौन सी स्पेसीज आ रही है, नारकीड। और ये वाली स्पेसीज कहां पे है, तो यह स्पेसीज है आपका जो केरला वाला है, यानी मालाबार तट का जो एरिया है, इस एरिया में आपकी आती है नारकीड स्पेसीज। ये सेकेंड राउंड में आते हैं। जो थर्ड राउंड में आए उसे हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। क्या कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायट आए, ये जो है मिडिल इंडिया है, यानी मध्य भारत है, इसमें आकर के सॉरी फैल गए। और एक स्पेसीज आई जिसे हम लोग कहते हैं मंगोलायट स्पेसीज। और ये मंगोलायट स्पेसीज कैसे आए, जैसे मैंने पहले ही बताया, जब शुरुआत में चले थे तो कुछ यूरोप की तरफ चले गए, कुछ साइबेरिया की तरफ चले गए, तो वहीं साइबेरिया वाले ऊपर से घूमते हुए, यानी चाइना होते हुए ये प्रवेश कर गए कहां पे, इंडिया में। इनको कहते हैं मंगोलायड। और जो साइबेरिया यानी मिडिल एशिया में गए थे, जब ये आए तो इन्हें हम लोग मेडिटेरियन सी वाली स्पेसीज के नाम से जानते हैं। और इनकी खासियत क्या थी, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो मंगोलायड वाले होते हैं, मंगोलायड की जो विशेषता होती है, कद इनका छोटा होता है, आंखें जो होती है अंदर की तरफ धसी होती है, चेहरा जो है चौड़ा होता है, स्किन जो है येलो होता है, बाल इनके सिल्की होते हैं। इस चीज को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रजाति के हैं, यानी ये मंगोलायड के हैं। और जैसे ही आप इस एरिया में, जितने भी ये पहाड़ी वाला एरिया देख रहे हैं, इन सब में जो है कौन सी स्पेसीज फैली हुई है, यानी मंगोलाइड स्पेसीज फैली हुई है, ठीक। अब देखिए, आपकी जो केरला में जैसे गोल गोल चेहरे, बाल घुघराले, ये वाले जो हैं ये नारकिड वाले हैं, तमिलनाडु आंध्रा वाले हैं, चेहरा चौड़ा होता है, इनकी नाक थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, ये जो है क्या है, निग्रेटो वाले हैं। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले, जो मध्य यूपी बिहार ये सारे लोग जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले। और चले जाएंगे जैसे आप सीमावर्ती इलाकों, चाहे आप कश्मीर हो, पंजाब हो, ये सारे जो बेल्ट वाले हैं ये मेडिटेरियन सी वाले हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम लोग सालों सालों करोड़ों वर्ष अरबों वर्षों से ये सारी जातियां एक दूसरे में मिलती गई, यानी इनका क्रॉस संकरण होते गया। और क्रॉस संकरण होने के कारण ही आज जो है हम लोग जिस वे में हैं वो हम लोगों का है, यानी करोड़ों मिक्सर के बाद जो है आज हम लोग इस तरह के सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी हमारे अंदर पता नहीं मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन तमाम कितनों का मिक्सर होने के बाद जो है हम लोग इस स्टेज में आकर के पहुंचे हैं। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि कैसे हम लोगों का डेवलप हुआ। अब इन्हीं के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्लियर। अब चलिए,
अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पर चलते हैं, और मेन टॉपिक पर चलते हैं। अभी तो हम आप लोगों से बात किए थे कि कैसे जो है इनका जो है विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब इनकी एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी के आधार पे जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि प्री हिस्टोरिक एज, यानी जब से मानव अपनी एक्टिविटी शुरू किया उस एज को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। और इस प्री हिस्टोरिक एज को हम लोग जो है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं पेलियोलिथिक एज, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मीसोलिथिक एज, यानी इसे जो है हम लोग मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और थर्ड को कहते हैं नियोलिथिक एज, यानी उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के नाम से हम लोग इसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। अब चीजें देखिए, चूंकि जो पेलियोलिथिक एज है, ये पेलियोलिथिक एज जो है यह सबसे लंबा एज है, क्योंकि मानव को डेवलप होने में, विकास करने में करोड़ों वर्ष लग गए। तो इन्हीं वर्षों में, यानी ये जो पेलियोलिथिक एज हमारा है, यह जो एज है यह 70 लाख BC से, कितना 17 लाख BC से लेकर के 1 लाख BC तक के टाइम पीरियड को हम लोग पेलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। यह कालखंड लंबा रहा। और देखिए इस कालखंड को हम लोग डिवाइड क्यों किए हैं और डिवाइड किस आधार पर किए हैं, इस चीज को समझिए। क्योंकि इस काल का जो मानव है, इस काल का मानव की जो एक्टिविटी है, यह केवल और केवल जो है हंटिंग पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, हंटिंग पे डिपेंड है। इसको एग्रीकल्चर करने आता नहीं है, इसको जो है हॉडलिंग करने आता नहीं, यानी पशुपालन करने आता नहीं। तो यह पूरी की तरह पूरी किस पे डिपेंड है, हंटिंग पे डिपेंड है, यानी पशुओं को हंट किया, उसको मारा, खाया और निकल लिया। लेकिन इनको मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए जिस टाइप का वो टूल्स का यूज करता था, इसी टूल्स के आधार पर ही हम लोग इनके विकास क्रम को दिखाने का प्रयास किए हैं, यानी हमारे हिस्टोरियन ने दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए हम लोग जो है इसको तीन पार्ट में बांटे, यानी फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज, और ये लोअर पेलियोलिथिक एज जो है 17 लाख BC से लेकर के 1 लाख BC के बीच में है। दूसरा यानी 7 लाख BC से लेकर के 1 लाख BC का ये टाइम पीरियड है। दूसरा जो है मिडिल पेलियोलिथिक एज, और जो मिडिल पेलियोलिथिक एज है यह आपका 1 लाख BC, यानी 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम लोग जो है मिडिल पेलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। एक चीज और समझिए, जो ये आपका लोअर पेलियोलिथिक एज है, इस काल के मानव को हम लोग होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। क्या, होमो इरेक्टस, ठीक है ना। और जो मिडिल पेलियोलिथिक एज का मानव है, इसे हम लोग नियंडरथल के नाम से जानते हैं। और ये जो अपर पेलियोलिथिक है, इसी काल में जो है होमो सेपियंस, जिसे मानव का जो है साइंस नेम भी कहा जाता है, यानी इसे प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है। तो इसी समय में जो ये प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव आता है, कब, अपर पेलियोलिथिक एज में। और अपर पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है, यानी 40,000 BC से 10,000 BC, यानी 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक के टाइम पीरियड में हमारा आता है। कौन सा, होमो सेपियन, यानी प्रज्ञ मानव, बुद्धिमान मानव। क्लियर। अब चलिए हम लोग जो है इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो पेलियोलिथिक पीरियड्स है, इस पेलियोलिथिक पीरियड्स में क्या क्या चीजें हुई, इन्हीं सब चीजों को यहां पे देखते हैं। कह रहे हैं कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री बिगेंस विद स्टोन एज कल्चर इन विच द ह्यूमन स्पीशीज यूज स्टोन लिथिस इन ग्रीक
टूल्स फॉर देयर सर्वाइवल। यानी देखिए इसको लिथिक एज भी कहते हैं और स्टोन एज भी कहते हैं, तो इसको लेथिक यानी हमने पेलियोलेथिक शब्द का यूज किया है। ये पेलियोलेथिक ग्रीक शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए स्टोन एज को ग्रीक में क्या कहा जाता है, लिथिक कहा जाता है, इसीलिए हमने पेलियोलेथिक शब्द का यूज किया। हम चाहे तो इसे स्टोन एज भी कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कह रहा है कि जो स्टोन एज है या लिथिक एज है, इसमें जो मानव है, मानव के सर्वाइवल के लिए, मानव को अपने हंटिंग के लिए किस पे डिपेंड होना रहता था, तो इसको डिपेंड होना पड़ता था केवल स्टोन पे यानी पत्थरों पे डिपेंड होना पड़ता था, इसीलिए इस काल को हम लोग लिथिक एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज इज वर्डली डिवाइडेड इंटू थ्री कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ टाइम, एन वाली दो पेलियोलेथिक, मिसोलेथिक, नियोलेथिक एंड चालकोलेथिक एज। ठीक है, देखिए स्टोन एज जो है उसको हम लोग जो है तीन पार्ट में डिवाइड किए और उसको मैंने पहले भी दिखाया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी मिस पेलियोलेथिक, इसे दूसरे को मिसोलेथिक और तीसरे को हम लोग नियोलेथिक कहते हैं। और नियोलेथिक के बाद यानी नौ पाषाण काल के बाद जो है मानव जो है इंटर करता है चालकोलेथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल में, यानी सबसे पहले मानव जो है स्टोन के बाद तांबे में प्रवेश करता है। तो चालकोलेथिक एज के बारे में भी हम आपसे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग रहते हैं स्टोन एज में और स्टोन एज में इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे यानी पेलियोलेथिक, मिसोलेथिक और नियोलेथिक में। चलिए अब हम पेलियोलेथिक के बारे में जो हमने डिवाइड किया था कि इसके तीन पार्ट हैं और तीन पार्ट में क्या है कि लोअर पेलियोलेथिक, लोअर पेलियोलेथिक का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई, इनको चीज देखिए कि जो लोअर पेलियोलेथिक का मानव था इसने क्या सीखा, क्या इनोवेशन किया, इन सबको देखिए। कह रहा है कि लर्न टू कंट्रोल फायर, इस एज का मानव जो है फायर से लड़ने का तरीका सीख लिया था, प्रयोग करना नहीं जान रहा है, लड़ना सीखा। लेकिन आप तो ये पता है ना कि फायर तो सदियों से आ रहा है, तो फायर से कैसे बचा जाए, लड़ना सीख लिया, यूज करना नहीं जान रहा है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। कंट्रोल फायर फॉर द ऑस्टिंग मीट एंड वर्डिंग ऑफ द एनिमल, इसने जो है क्या किया कि फायर से लड़ना सीख लिया और अपने मीट को रोस्ट करना भी सीख लिया था, मीट को कैसे रोस्ट बनाया जाए ये चीजें जो है सीख लिया था इस काल में। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग लिव्ड इन ट्री एंड इन ए केव, कह रहा है कि यह शिकार करना तो जान ही रहा है और यह जो है गुफाओं में और पेड़ों पर रहना भी सीख लिया था इस काल का मानव। इस चीज को समझिए कि यह लोअर पेलियोलेथिक में हो रहा है। इसने किस टाइप का टूल्स यूज किया, तो देखिए सिंपल चापर, चापिंग, क्रूड एंड रफ टूल, क्या कर रहा है कि जिसे पेबल के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है जिस टाइप का ये टूल्स यूज कर रहा है, ये चापर, चापिंग, पेबल्स और रफ टूल्स, ये कैसा टूल्स यूज कर रहा है, रफ, रफ का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जो स्टोन होगा, जिस तरह का इस समय के मानव को कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जब इसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये किसी भी टाइप के पत्थरों से शिकार करेगा। लेकिन सपोज दैट जैसे जैसे इसमें क्या होगा और कि नॉलेज डेवलप होने लगेगा, यह जो है बड़े भौदे या बेडोल पत्थरों के स्थान पर यह जो है चिकने छोटे और अच्छे अच्छे फसलों नुकीलेदार पत्थरों का प्रयोग करना शुरू करेगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस टाइप, इस काल का जो मानव, इस टाइम पीरियड का मानव कैसा है, ये जो है बेडोल भौदे और चापर, चापिंग, पेबुल टाइप के जो पत्थर है उन्हीं का ये यूज कर रहा है। कह रहा है कि एग्जांपल्स टूल हैंड एक्स एंड पेवर्स, ठीक है ना, तो ये हैंड एक्स एंड चापर, चापिंग जो है, देखिए जो इसको खोजने का काम किए हैं ये सबसे पहले
1863 में, कब 1863, और ये प्लेस है मद्रास का पलवरम, कौन सा, ये है मद्रास, और ये मद्रास का जो प्लेस है पलवरम, वहीं से खोजने का प्रयास किए हैं रॉबर्ट फुट ब्रूस, कौन सा है, रॉबर्ट फुट ब्रूस, ठीक है ना, ये जो फुट ब्रूस है यही इन्होंने ये क्या किया कि इस टूल्स को सबसे पहले खोजा, कब 1863 में, ठीक है ना, ये पहले भूवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि इस मकाल के मानव के जो टूल्स थे उनको खोजने का प्रयास किया, ठीक। तो क्या क्या मिल रहा है, किस टाइप का, तो ये जो हैंड एक्स देख रहे हैं, या क्लेवर्स देख रहे हैं, या चॉपर चॉपिंग्स देख रहे हैं, ये सब हमें कहां से मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं हमें मद्रास के पलवरम से, और अन्य प्लेसों से भी मिले, लेकिन मद्रास के पलवरम से सबसे पहले जो है खोजने का जो प्रयास किए या खोजे वो है हमारे पहले भूवैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट फुट ब्रूस। अब देखिए इस काल की जो ये हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में कहां से ये टूल्स मिले हैं, यानी कौन सी वो साइट है जहां से कि इस तरह के टूल्स हमें पाए गए हैं। तो दो ही चीज पर हमें फोकस करना है, एक तो ये टूल्स कैसे मिल रहे हैं और दूसरी कहां से साइट, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये फलाने साइट जो है किस टाइम पीरियड की है, लोअर पेलियोलिथिक की है कि मिडिल पेलियोलिथिक की है कि अपर पेलियोलिथिक है कि मीसोलिथिक की है कि नियोलिथिक की है, यही चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस समय की साइट क्या है, साइट है बोरी, और बोरी कहां पे है, बोरी है एमपी में। दूसरी साइट है डिडवाना, डिडवाना कहां पे है, तो डिडवाना है आपके राजस्थान में। भीमबेटका, भीमबेटका कहां पे है, एमपी। अतिरापकम तमिलनाडु, बादमुराई तमिलनाडु, नागार्जुन कोंडा तेलंगाना, जैसी साइटें जो है हमें कहां से मिली है, यानी किस टाइम पीरियड की मिली है, यानी लोअर पेलियोलिथिक एज की ये साइटें है। इस टाइम पीरियड का मानव जो है हैंड एक्ट चापर चापिंग क्लेवर का यूज करना सीख गया है, इनके हथियार यही है, और यही जो साइट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बात और, ध्यान रखिए ये साइट जो है क्या होंगी, अल्टरनेट फिर भी आ सकती है, किसी दूसरे टाइम पीरियड में भी आ सकती है, इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको माइंड में रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भीमबेटका केवल यही आ रहा है, भीमबेटका आपको मीसोलिथिक पीरियड में भी आएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए हम चलते हैं अगले टाइम पीरियड में, और अगला टाइम पीरियड हमारा क्या है, मिडिल पेलियोलिथिक एज, और ये मिडिल पेलियोलिथिक एज में क्या क्या खोज हुआ, मानव ने क्या क्या चीजें खोजा, किस तरह की एक्टिविटी किया। तो देखिए लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन दिस टाइम पीरियड रिमेन्स हंटर्स एंड फूड गैदर। देखिए अब इस टाइम पीरियड का मानव यानी हंटिंग करना तो कर ही रहा है, वो उसका रेगुलर काम है, लेकिन इसमें जो है लैंग्वेज पर वर्क करना शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे एक दूसरे के बीच में क्या होने लगा, संकेतों से बात होने लगी, दूसरों से एक दूसरा व्यक्ति दूसरे से किसी न किसी लैंग्वेज में यूज करके वो बात कर रहा होगा, यानी ये जो है हमारे भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि ये कर रहा होगा, चूंकि इसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य है नहीं, क्योंकि जो भी इस टाइम पीरियड के हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास एविडेंस है वह केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई हमारे पास लिटरली एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास फॉरेन ट्रेवलर का एविडेंस नहीं है। एक चीज और समझिए, हिस्ट्री को जानने के लिए आपको तीन टाइप के सोर्स चाहिए, पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा सोर्स है लिटरली सोर्स, और तीसरा है फॉरेन ट्रेवलर्स के लिटरेचर। इन्हीं चीजों से हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, लेकिन इस समय कोई हमारे पास लिटरली सोर्स है नहीं, तो हम क्या करते हैं, केवल इमेजिंग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें मिले हैं उसके आधार पे उनके एक्टिविटी के बारे में हम रीड कर सकते हैं। अब चलिए इस मानव, इस कालखंड का मानव किस टाइप का टूल्स यूज करता था, तो कह रहा है कि रिफाइंड एंड लाइटर टूल्स मेड ऑफ द हॉडल स्टोन मेटेरियल लाइक द फ्लिंट, यानी इस समय का जो मानव है अब जो है इसमें चेंज आ गया, यानी उस काल का जो मानव था यानी अपर पेलियोलिथिक वाला बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था,
लेकिन अब का जो मानव है ये लाइटर्स जो यानी छोटे छोटे और जो है नुकीले दार पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें चेंज आ गया, यानी छोटे छोटे और नुकीले दार पत्थर, और नुकीले दार इसको मिलेंगे कहे से, जैसे सपोज दैट देखिए कि नदियों के तटों पर जाते हैं अधिकांश जो घिसाव वाले पत्थर होते हैं धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, और उनको ही ये यूज करना शुरू कर दिया, जिससे इसके हंटिंग में ज्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब देखिए अब कह रहा है अब कि इसके एग्जाम्पल्स टूल्स कहां से मिले, ये चीज देखिए कह रहा है कि डिफरेंशिएट टूल्स बेस्ड ऑन द फ्लैंक्स ब्लेड्स, ब्लेड्स जो है ये आ रहे हैं, आप देखेंगे पॉइंटर्स आ रहे हैं, स्क्राइपर्स आ रहे हैं एंड बोर्स। तो यानी इस काल का जो मानव है जिस तरह का टूल्स यूज किया, स्क्राइप, स्क्राइप का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पत्थर लीजिए उसको फाड़ दीजिए बीच से, और फाड़ देंगे तो वह धारदार बन जाएगा, और उसी को हम लोग स्क्राइपर कह रहे हैं। तो यानी नुकीले और स्क्राइपर नुमा टूल्स भी इस काल का मानव जो है यूज करना शुरू कर दिया। इसकी साइटें कहां कहां से मिली है इस टाइम पीरियड की, इस साइटों के बारे में देखिए, नेवासा, नेवासा कहां है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इस बात को याद करिए, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। भीमबेटका, भीमबेटका जो है कहां पे है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। डीडवाना, डीडवाना जो है समझ ही रहे हैं ये कहां है, राजस्थान में। और बेलन जो है यह है बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यानी अलाहाबाद प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जो है, यहां पे बेलन वैली पाई गई, यहां से भी इस साइट जो है इस टाइम पीरियड का मिला है। तो हम लोग जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में भी देखे, समझे, पढ़े। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहां पे, अपर पैलियोलिथिक एज में, और अपर पैलियोलिथिक एज का जो मानव था वो क्या क्या किया, क्या नया चीज लेकर के आया, क्या नया प्रयोग किया, इसके बारे में चलते हैं। तो कह रहा है कि अदर होमिनिन स्पीशीज वेयर द एलिमिनेटेड बाई दिस टाइम, ठीक है ना, यानी इस टाइम पीरियड का जो मानव है इसने कई सारी गतिविधियां करना शुरू कर दिया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो स्क्राइपर लेकर के आया था ये स्क्राइपर जो है इसमें और चेंज आने लगा, ठीक है ना, ये और धारेदार और लाइटर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसने क्या किया कि अब इसने पत्थरों को दो दो भाग में काट करके और उसके अलग अलग हथियार बनाना भी ये शुरू कर दिया था, ठीक। तो यानी स्क्राइपर को, पहले स्क्राइपर तो उसको मिल जा रहा है यानी जो पत्थर फटे हुए हैं उससे यूज किया, लेकिन इस काल का मानव खुद ही जो है पत्थरों को काट करके और दो दो भाग में डिवाइड करना भी सीख गया, ठीक। अब देखिए अब ये क्या है कि जो इसके टूल्स मिले हैं, इसके टूल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, ये ब्लेड है, स्क्राइपर है, बर्न्स है, यानी ये जो है हड्डियों का भी यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, यानी बोन्स के टूल्स का भी यूज करना शुरू कर दिया। तो ये ब्लेड नुमा यानी छोटे छोटे हथियार, स्क्राइपर नुमा हथियार, और साथ में हड्डियों के भी यानी पशुओं के जो हड्डी होती थी उसका भी ये क्या करना, टूल्स बनाना, औजार हथियार बनाना शुरू कर दिया इस काल का मानव। तो देख रहे हैं इस काल के मानव में कितना चेंजेज आ गया, यानी अपर पेलियोलिथिक से लेकर के जब हम सॉरी लोअर पेलियोलिथिक से जब अपर पेलियोलिथिक में आ रहे हैं तो मानव के टूल्स में कितना चेंज आ गया, इसी को हम लोग मानव के विकास क्रम के रूप में देखते हैं। अब देखिए इसके जो साइट्स हैं हमें कहां से मिले हैं, इसके साइट मिले हैं रेनगुंटा, रेनगुंटा कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश, ये है बाडिया, बाडिया कहां है, राजस्थान में, बेलन वैली यह कहां है, यूपी में, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसके साइट कहां मिले, रेनगुंटा से मिले, बाडिया से मिले, बेलन वैली से मिले। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपर पेलियोलिथिक से लेकर के यानी लोअर पेलियोलिथिक से अपर पेलियोलिथिक यानी पेलियोलिथिक एज को हम लोगों ने समाप्त किया। अगले लेक्चर में हम जो है मीसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में बात करेंगे।
फिर हमारा क्रम इसी तरह का चलता रहेगा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, कुछ लोग जो है गलत भी कमेंट करेंगे तो उसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, जिनको अच्छा लगेगा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और हमारी जो बैचे हैं ऑफलाइन बैच जो है 15 तारीख यानी 15 नवंबर से शुरू हो रही है अविराज आईएएस के प्लेटफॉर्म यानी लालपुर रांची में, तो आप लोग विजिट करिए। हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर मिल जाएगा, आप उस पर फोन करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू।